आपने नमाज पढ़ ली है बेटा? जी इंस्टा पे इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है यान की, और ये नकारा निकली है। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है यानी ये और जी आप लोगों ने इस टाइम तक क्या क्या बना लिया है? ये देखिए जी, ये प्रोफेशनल फकीर है और लेटे हैं और साथ साथ बेटी को है ना, बेटी साथ है सर। नहीं नहीं, ये किराए के होते हैं, इसने ये बाबा किराए पे लिया होगा। अच्छा, हवा में घूमता है ये, बड़ा हवा में घूमता है ऐसे, पूरी ट्रिप करते हुए कम ही घुमाए इसको। ना मैं थोड़ी दुनिया ना घूम जाए। ये तो चाचू हाथ नीचे करना, देखिए जी लिखा हुआ चाचू चाय वाला, मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं इधर आती हूँ ना, ये चाचू चाय वाले को देख के, भैया चाचू क्यों, मामू नहीं चाय पिला सकता, बताया ना थोड़ा प्लीज। देखिए जी मैंने बना लिया है। अच्छा ये देखिए जी, आज ये अम्मी की तरफ से आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुरम की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? हम जी है यान, इस टाइम बैठ के खाना खा रहा है, रात के 12:30 बजे हैं। यान आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, कुछ कहना चाहेंगे बताएं सर, क्यों नहीं आज आपने सहरी के वो अफ्तारी के टाइम खाना खाया, प्लीज से समथिंग। हैं मम्मा गया है यार। ये देखें जी अभी इस टाइम खा रहा है, और दाल चावल इसने मंगवाए हैं अम्मी से, क्योंकि चने चावल बने इसे पसंद नहीं है। अब 12:30 बजे ये अब जाके ज़रा इसका, मुझे लगता है कुछ शुगर लो हुई होनी है ना यार, कि बाहर कुछ खाए होंगे फ्रेंड्स के साथ, हमें तो जी नाराज़गी शो की है। अब ये जो बची पुची चीज़ें हैं अब ये उससे गुजारा कर रहा है। वन बाइट वरीशा ने बोटियाँ भी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार थी यार सीरियसली। जी इंस्टा पे इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है यान की, और यान मुंह छुपा रहा है कि अब मैं नहीं आऊँगा, कहीं मैं यूट्यूब पे वायरल ना हो जाऊँ। है यान इधर देखो, जैन इसको अपने उठाई अपने पीछे से। जैन इसको उठाई, यान यान कुछ बोलो प्लीज, से समथिंग। जैनी मामू के उस पे है वो, तू चाहता है कि मैं वीडियो बना बना के हो जाऊं, और अगर मामा की तेरी कोई वीडियो वायरल हो रही तो तुझे क्यों शर्म आ रही है, ये तो फखर की बात होनी चाहिए यान। वो दरअसल एकेडमी से ये पकड़ा गया है ना इसीलिए। क्या कह रहे थे कि यान क्या कह रहा है, यान क्या कह रहा है, क्या कह रहे थे हम? अभी ना लो मुझे, मेरा हुलिया से नहीं। नहीं बताए तो सही, अब बात तो बताया यान ने आपको क्या कहा। अयान को मैंने कहा भी एक तरफ आईफोन नहर में डूब रहा हो, अच्छा, और एक तरफ अब्बा डूब रहा हो, तो किसको बचाओगे? कहता आईफोन को बचाऊंगा। अयान मैंने कब कहा, मैंने कहा आईफोन खराब हो जाएगा पानी में, पापा को ही बचाऊंगा। भैया अगर खराब ना होता तो फिर ये आईफोन बचाता। अयान शर्म कर लो, आईफोन बचाओगे पापा को नहीं। और ये देखो सोफे का कवर को क्या किया हुआ है बेटा, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वभाव। भाई तू बाप को नहीं बचाएगा, आईफोन को बचाएगा। मैंने कब कहा, पापा कह रहे इसने आईफोन का, पापा कह रहे ना, पापा पापा कहते रहे करते हुए इन लोगों का, और ये घर में इन्होंने इतना खिलाड़ डाल दिया हुरम। हाय वृषा डंडा लेके आता है, हैंगर लेके आ, मैंने मशीन लगाई हुई, और ये मुस्तफा की जो वॉकर है ना इसके व्हील्स निकल जाते हैं। हेलो मुस्तफा, और अयान भैया इसके व्हील्स को लगा रहा है। यान ये क्या कर रहे हो? मुस्तफा क्या हो गया है? चले अल्लाह रहम करे, उठाओ 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 उठाओ। ये देखिए जी भैया कितनी मेहनत कर रहा है। यान एक काम कर, मुस्तफा को निकाल के वहाँ बेड पे बिठा, और फिर ये उठा, फिर ये करो। वैसे हैरत की बात है, इतनी महंगी ये वॉकर ली है ना, और ये नकारा निकली है। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है यार, ये मेरे हाथों रहा है यार, तू जाया हो जाएगा, पकड़े उतार निकाल इसको। इधर आओ जोहा, इधर आओ, ये मुस्तफा को निकालो, इधर आओ, ये हर टाइम देख के बैठे थे, इधर आओ, उठाओ वो कहने लगा था, उठाओ इस लड़के को, वो देखा यहाँ भी इसको गिराने लगा था जोहा। नो नो, हाँ जी अब ऐसे आप लगाएंगे, समझ आइए आपको कि पहली वाली भी गई। हेलो जानू, दूसरा कर, हो गया काम खत्म। ये देखिए ऐसे अकलमंद जोहा, ऐसे नहीं करो,
ये ऐसे भाई हों, अकलमंद भाई हों तो और क्या जरूरत है। उसको वॉकर से जुआ गिराने लगा था। हेलो जानू, यहाँ पे भी हमने सहरी अपनी कर ली है फिनिश। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं जल्दी जल्दी में बनाना होता है। दही था। हेलो जोहा, हसन भी अपनी सहरी कर रहा है। मैं अपनी फिर देखो, मैं आज खुद राइस सिखा रही हूँ, तो चनों वाले राइस पसंद है। और आपने क्या खाया, प्लीज कुछ बताना चाहेंगे? मैंने खाई है शक्कर वाली रोटी, जबरदस्त। और साथ ये राइस तो मैं तुम्हारी खुशी में खा रहा हूँ। चलो देखो ना, खाना है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। वो देखें जी, इमरान ने नमाज़ पढ़ ली है। बयान को बता रहे हैं कि जी कैसे रोल नंबर स्लिप पेपर नाइन्थ के बोर्ड के पेपर देते हैं। और जोहा नमाज पढ़ने लगी हुई है और इमरान फुल समझा रहे हैं इसको। कहाँ खड़ा हुआ है ये देखिए, कहाँ खड़ा होके बाप की बातें सुन रहे हैं। और इमरान इसको रोल नंबर स्लिप के ऊपर से पढ़ के बता रहे हैं। और जोहा माशाल्लाह से नमाज पढ़ने लगी है, वरीशा उधर पढ़ रही है और मैं अभी अपनी नमाज पढ़ के फिनिश हुई हूँ। दुआ मांगी है जी। किस चीज़ की चिड़ हो जाती है यहाँ? वरीशा मुस्तफ़ा ये लोग सो रहे हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, अब मैं उठ चुकी हूँ। आपको मेरी आंखों से तो लग रहा होगा कि अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात को लेट हो जाता है। हम सारी रात ही नहीं सोते और बस उठ के अब जल्दी जल्दी जोहर की नमाज़ अदा की है मैंने। और इमरान पढ़ने गए हैं जुमा, और बच्चों को मैं उठा रही हूँ कि उठ जाए जल्दी से नमाज़ पढ़ लें। बस ऐसी रूटीन चल रही है। और बस अब उठ के आज मासी ने भी नहीं आना, घर के काम शाम बस ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। पूरा आपने नमाज़ पढ़ ली है बेटा? नहीं, हुरम ने अभी तक नहीं पढ़ी, बट हुरम ने दुपट्टा ले लिया कि जब मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और अब मैं बाकी सब बच्चों को भी उठा रही हूँ वन बाय वन करके। यहाँ पे मैंने वरीशा को कहा था कि वरीशा थोड़ा सा जूस बना लो, और जूस बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि वरीशा ने ना अपना इरादा कर दिया मुलतवी, और उसने कहा कि जस्ट ना ये एक ही गिलास निकला है और इतना ही निकल सकता है, और मामा और इससे ज़्यादा निकालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ पीछे हुरम की वॉइस को इग्नोर किया जाए। हुरम बहुत ज़्यादा भाँ भाँ करके रो रही है क्योंकि मैंने उसको डांटा है कि तुमने रूम में नहीं आना और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट वो फिर भी आती है। Few minutes later. No, Visha जा रहा है, अभी अभी जा रही है। क्या बात है बेबी? बेबी तो फ्रेश बैठा है। चले, अब हम आए हैं इधर मार्केट। इमरान ने बैलेंस करवाना था मोबाइल में, और कुछ बिल शील भी इमरान इसी में ही भरते हैं। और जी यहाँ पे ये देखें, अल खैर हमारी सबसे अच्छी ये जो बेकरी है ना, ये जिस हिसाब से समोसे वगैरह यहाँ पे है। और ये मुझे लगता है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ज़ाहिर है टाइम ज़रा अभी रहता है रमज़ान में, रोज़े में ना, अफ्तारी में, सॉरी रमज़ान में कह रही हूँ, अफ्तारी में टाइम है ना, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये देखिए जी, मरीशा और ये लोग यहाँ बैठे हैं। मुस्तफ़ा जानू, ये देखे जी, मुस्तफ़ा भी इंजॉय के मूड में आ चुके हैं। ओए मरीशा, वहाँ पे गंदे हाथ ना हमारे, मिट्टी ना हो। मुस्तफ़ा इधर देखो बेबी, ओए बेबी को गर्मी लग रही थी, बेबी को गर्मी लग रही है। नोनू नोनू ने अपनी सॉक्स भी उतार दी है। और मुल्तान में जी गर्मी हो चुकी है स्टार्ट, और आप यकीन करें कि इतनी शदीद गर्मी लग रही है ना मुझे आज, ये बाहर आके कुछ लेना था यहाँ से। टाइम भी अल खैर में रश है, मुझे लगता है लोग कच्चे ले जाते हैं क्योंकि इस टाइम अभी टाइम तो नहीं है अफ्तारी का, अफ्तारी में तो अभी काफ़ी देर है, अभी तो 3 बजे हैं, और फिर भी लोग लेके जा रहे हैं, कच्चे ही लेके जाते होंगे, घर जाके फ्राई करते होंगे। और हमने तो सोचा कि फ्राई आइटम्स अब बंद कर दें। ये हवा की वजह से इस तरह घूम रहे हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं,2 50-50 है। वाटर प्रूफ क्या मतलब है? वाटर प्रूफ का क्या मतलब है? वो कह रहा है वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ कौन सा? क्या मतलब है कि बारिश में लेके निकल
बटर प्रूफ ये है कागज के, ठीक है ना, वो प्लास्टिक वही प्लास्टिक वाला लेके दिया था मैंने तब उन्हें, लेकिन ये सही है बच्चों के लिए। चलो ठीक है, दे लो इनको, दे दो दोनों प्लास्टिक वाले। आपको वैसे तो ये रात में दिखाती हूँ नज़ारा, अब आपको मैं ये डे टाइम में पुल का नज़ारा दिखा रही हूँ। जुम्मा मुबारक है जी आज, और यहाँ पे आज जुम्मा बाजार भी लगा होगा, और ये देखिए जुम्मा बाजार में ड्रेसेस को कैसे सड़क पे लटकाया हुआ है इन्होंने, है ये देखना ज़रा भाई, कपड़े शपड़े पूरे तारों पे लटकाए हुए हैं फुल, ये देख रहे हैं रश कितना ज़्यादा है, तो लोग खरीदारी करने आए हुए हैं। अलग भी 30 रुपये किलो में लग गया, बच्चा पार्टी आप एंजॉय कर रहे हो बच्चों, नोनू ओए नोनू एंजॉय कर ले, वाह जी वाह नोनू, पूरा माँ भी कर रही हो, क्या करती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको खेल ले। ये मुस्तफा का घूम रहा है, ये देखो ये ईशा हवा में घूमता है, ये बड़ा हवा में घूमता है, ऐसे थोड़ी घूमेगा जी, चले बस करें हम ड्राइव करते हुए कम ही घुमाए इसको ना, मैं थोड़ी दुनिया ना घूम जाए, लराम करते। ये देखिए जी ये प्रोफेशनल फकीर है, और लेटे हैं और साथ साथ बेटी को ना, बेटी साथ है सर, नहीं नहीं ये किराए के होते हैं, इसने ये बाबा किराए पे लिया होगा, अच्छा ये बाबा किराए पे लिया होना 200-300 रुपए कसम से, और बाबा 200-300 रुपए में, हां 200-300 रुपए में बीमार बाबा है, टीम लगे शक्ल से ऐसे लगेगा बीमार है, बीमार है। हाँ। अब ये रेडी इन्होंने खरीद ली होगी, इनके पास अपनी होगी, वो लेके निकला ये लड़की के लेदा पैसे हैं, बाबे को उसका अपना हिस्सा मिल जाएगा, लड़की की जो कमाई है वो लड़की की, सही यही हाल है आजकल के, यहाँ स्ट्रॉबेरी का कितना खूबसूरत है वो, कितनी जबरदस्त है देखना जरा कितनी फ्रेश है, इन्होंने कलर भी किया है, नहीं नहीं ये देखे तो सही सर, देखना पैसे कैसे लटकाए हुए शॉपर में, हम गए हैं सब्जियां और लेने, पालक का मूड हो रहा है। और जी आप लोगों ने इस टाइम तक क्या क्या बना लिया है, क्या क्या तैयारी कर ली है, और मैं वैसे तो 4 बजे स्टार्ट करती हूँ अपनी बनाना, बट आज मुझे लगता है कि हमें 4:30 हो जाएंगे घर जाते जाते ना, इमरान कह रहे हैं कि कुछ सब्जियाँ भी बनाते हैं, ये नहीं कि सारी गोश्त ही और इस तरह के आइटम्स होते हैं सब्जियों में, ज़्यादा से ज़्यादा इमरान सिर्फ पालक खाते हैं और वो मैं हम ले जाते हैं, और बाकी मैंने कहा कि गोभी भी ले लें, चले गोभी चिकन भी बहुत अच्छा बनता है ना, वो भी अच्छा लगता है अफ्तारी में सहरी में रोटी के साथ, बट देखिए इमरान अब कौन कौन सी वेजिटेबल्स लेके आते हैं। ये हम मंडी गए, मंडी में मंडी कहने लगी थी, मंडी के मंडी के अंदर तक आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और सिर्फ आपने क्या लिए सब्जियों में, मैंने ना सिर्फ पालक लिए और मटर लिए, वो भी नहीं लिया ना, मुझे अच्छी तरह पता था सब्जी खोर तो आप है ही नहीं, और आलू भी आलू चले भी पड़े हैं ना, फिर ऐसे ही जैसे वो बन जाएंगे ना, क्योंकि आजकल गर्मी है आलू खराब हो जाते हैं, चिप्स वगैरह इनको बना के दे रहे हैं अफतारी में, ना चाहते हुए भी फिर भी कुछ ना कुछ ज्यादा चीजें ऐड हो जाती है, मतलब कह भी ना क्या थोड़ी चीजें बना लो, फिर भी इंसान का दिल होता है ये भी बना लो ये भी बना लो ये भी, वो याद आया दही भल्लों के लिए फुलकियाँ लेनी थी, हाँ वो याद से वो ले जाएगा, दही भले तो रोज बंदा बना ही ले थोड़े से ना, मजेदार लगते हैं बाद में भी जब आप खाते हैं। कितना डिफरेंट मुझे लगा है देख के ना, ये रिक्शे के अंदर किसी ने पूरी अलमारी सी बनाई हुई है और टोपियाँ वगैरह रखी हैं, और ये रिक्शा है रिक्शे के पीछे सारा बनाया हुआ डिफरेंट सा था ना। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक मजेदार बात बताऊँ, इमरान ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे और ये इतनी केयर करते हैं, और देखिए मैं अपने हाथ लेके हम लोग धूप में ऐसे ही जा रहे हैं, और इमरान ने देख ले जी ग्लव्स पहन लिए कि कहीं ना मेरे जो हैंड्स हैं उनका कलर खराब ना हो जाए, मैंने तो असल में रेगुलर सफर करना होता ना गाड़ी, हाँ ये तो है सही है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग लगती, गर्मी ये वो बोले गर्मी वाले ना इतना वो नहीं हवा इसमें क्रॉस होती, अच्छा अच्छा ये देखो ना इसमें कितनी धूप आ रही है हाथों में, हाँ ये तो है, अब फौरन
एग्जांपल ये बाहर रहेंगे जहाँ पे तो कपड़ा ये तो ऐसे लगेगा जैसे कोयले में जले हुए। हाँ सही बात है। अभी आप लोगों को भी जो लोग ड्राइव करते हैं बाइक में गाड़ियों में सबको जी जाइए एहतियात करें। और ये मेरी बात पल्लू से भी बात अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को ग्लो और खूबसूरत बनाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं कि आपकी स्किन सही रहे तो वाकई ग्लव्स केयर करनी चाहिए ऐसे है ना। सही, ये तो अच्छी बात है कि आपसे सीखी। और मैंने अपने वो देवर उमर को भी करते हुए ये देखा है, वो तो एक अंडा लेने भी जाता था बाइक पे तो ग्लव्स जुराबे और मास्क अंडा नहीं होता जिन्हें भी तैयारी कर लेना। हाँ वो अगर एक चीज लेने भी जा रही है नहीं आपने मार्केट जाना है कुछ लेने तो वो ग्लव्स पहनता था, डबल शर्ट पहनता था और सॉक्स पहनता था और मास्क पहनता था और फिर निकलता था। इतनी केयर अपनी लाइफ में वाकई होनी चाहिए। 200 रुपए दर्जन। कौन से वाला? ये वाला केला कह रहे हैं 400 रुपए दर्जन। ये वाला तो ये तो थक गए। अब ये वाला बाबा कह रहा है जी ये ले लो ये 300 रुपए दे देंगे आप। ये देखो मैं कहा भाई ये तो कचरे में फेंकने वाला, ये किसको दे रहे हो आप? ये रमजान की वजह से बाकी ममालिक में शर्म नहीं आती इनको। कम रेट्स होते हैं यहाँ जी पाकिस्तान में रेट्स इतने हाई होते हैं। ये देते हैं जरदारी को नवाज शरीफ और चोर ये खुद है सब माफिया हर बंदा। सही बात मजारों में कुछ लेने गए हैं चीजें वगैरह और हम लोग बैठे हैं इधर गाड़ी में। हाँ जी बेबी क्या कह रहे हो? बेबी स्वीट बेबी मुस्तफा ने भी लगाया हुआ है। मुस्तफा इधर देखो जानू मुस्तफा बेबी। ओ माशाल्लाह नोनू दोनों मेरे नोनू बहुत प्यारे हैं। मजेदार बात बताऊं वरीशा को मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ बैठा करो कि मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो ना वरीशा जान के मेरी सीट के पीछे बैठती है ताकि वरीशा की वीडियो ना बने। हैं वरीशा ऐसा क्यों है बेटा प्लीज से समथिंग। वरीशा आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? खुरम इसे पूछो प्लीज आप भी से समथिंग। ये जान के ना ये मेरी सीट के पीछे पापा की सीट के पीछे नहीं बैठती मेरी सीट के ताकि मामा ना बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैमरा करें ऐसे ना करें। बट माँ तो बेटा सब जानती है, माँ को तो सब पता होता है मेरा बच्चा कौन कैसा है। 1 kg दे दो दही बगैर मलाई के। और ये फुलके इमरान ले आए थे क्या उसको समझ नहीं आ रही? ये तो चाचू हाथ नीचे करना देखिए जी लिखा हुआ है चाचू चाय वाला। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं इधर आती हूँ ना ये चाचू चाय वाले को देख के। भाई चाचू क्यों मामूली चाय पिला सकता बताओ ना जरा प्लीज आप जरा इसमें रोशनी डालें। वो चाचू के नाम से मशहूर हो गया होगा ना चाचू चाचू चाय वाला। अभी मामू भी तो पिला सकता है ताऊ भी तो पिला सकता है चाय बस ये लिखा होता है चाचू चाय वाला। बड़ी हंसी आती है मुझे। ये फ्रेंड्स ये जो है भाई है इन्होंने ना मुंह के अंदर पैसे डाले हुए हैं। ये कितने ज्यादा जर्म्स होते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं। नहीं अब इसने मुंह के अंदर डाले हुए हैं ना मेरे पास मुंह में पैसे डाले हैं अब यही मुंह के इसके अब जर्म्स हो गए फिर यही बच्चे हम छोटे छोटे बच्चा हम ये नोट कर ले जाते हैं उनको पकड़ाते हैं वो मुंह में डालते कितने वो तो बेटा हाथ धो लिया करो वो मुंह में डाले हुए थे उसको कितने जरासीम अगर वो बेचारा नहीं भी बीमार होगा। हैरत है मुझे लोगों में भी कोरोना ने इतनी अवेयरनेस तो चलो हमें तो खैर पहले ही थी लेकिन कोरोना ने तो अवेयरनेस दे दे के बेचारे थक गए थे शुरू से कोरोना में तो फिर की इन्होंने हाईलाइट कर दी थी ना इस बात को कि भी ऐसे हाथ धोए ये करें लोग कॉन्शियस भी हो गए थे। अब दोबारा लोग उस तरह की हरकतें करना स्टार्ट हो गए। ये पार्क की डे टाइम में आप देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है पार्क। देखिए जी इमरान के लिए मैंने बनाना है आलू गोश्त और चिकन का जो चार चिकन है वो मैंने बच्चों के लिए बनाना है। पकौड़ियाँ ये पड़ी हुई हैं आलू काट के रखे हैं यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है पकौड़ियों के लिए और कुकर मैंने जल्दी जल्दी आलुओं को लगा दिया है। जी मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसे साबुदाने को ना ऐसे करके भिगो देंगे ना और तब बच्चों को देना चाहिए और मैंने ऐसे करके भिगोया और देखिए अब कैसा बनता है। जी देखिए डिटॉक्स वाटर की तैयारियाँ चल रही हैं और ये मैंने डाल दिया है इसमें मैं इसमें लेमन ऐड करती हूँ। जी मैं 2 मिनट के लिए ज़रा मुस्तफ़ा को देखने गई हूँ और ये क्या हालत हो गई है और मैंने ये देखा 2 मिनट के अंदर शुगर है किचन को आग नहीं लगी इसमें आप जान देख लें हसन का चेहरा देख लें है हसन और ये देख लें हाय हाय ये पूरा रुमाल जल चुका है। बस ये अपना था फ्री में जब रमजान में आप ये सारे काम ये देखिए मेरे चारों के चारों चूल्हे चल रहे हैं
जब ये काम हो रहा है तो यही सब कुछ होता है। देखिए जी, मैंने बना लिया है अचार चिकन, और ये इस तरह देखिए ऐसे डाला है। इसमें मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मैंने ये सब्ज़ भी डाल दिया है कुछ बारीक बारीक करके, और धनिया भी डाल दिया है। आप देखिए ये आलू गोश्त माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। आज मैंने आलू गोश्त बनाया है, साथ ये अचार चिकन बनाया और साथ राइस जी साथ मैंने की है राइस बॉयल, क्योंकि इमरान है तो यही खाना होता है। साथ साथ आपको पता है बच्चों के काम तो चल ही रहे होते हैं कि मुस्तफ़ा के लिए ना मैंने साबूदाना की खीर तैयार किया। देखिए अल्लाह करे उसको हजम हो जाए और कैसी बनती है। अब वैसे भी गो के रखा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी है। ये देखिए जी, आज ये अम्मी की तरफ से आए हैं पकोड़े और ये चिप्स वगैरह, और ये मैंने ये अचार चिकन बनाया है, हो गया है बस टाइम, और ये आलू गोश्त बनाया है, दही भल्ले वगैरह बनाए हैं साथ बॉयल राइस। ये देखिए ये है जी आज हमारी इफ्तार की लुक। वरीशा अयान ने दुआ मांगनी ज़रूरी नहीं समझी, जल्दी पानी पीना मुनासिब समझा। बाबा अभी तक दुआ मांग रहे हैं, और ये बेबी ने खोल भी लिया है। बेबी खजूर ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई। अब सबसे एंड में क्यों खा रही हैं? जोहा ने आज ज़्यादा खाना खा लिया ना, इसलिए पूरम ने अपना रोना पिटना स्टार्ट किया हुआ जी। सब ने खाना चाना खा लिया है, और बाबा जो हैं वो अब जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और हम भी पहले ये खिलार उठा लें, ये सब चीज़ें वगैरह उठा लें, बर्तन सालन समेट लें, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। आप रिशा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, प्लीज़ से समथिंग। मैंने आज ऑरेंज जूस बनाया था। हाँ अच्छा बना था, अच्छा बना था। क्यों बस करें? अच्छा आज आप व्लॉग का एंड करो, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। चलो करो सोहा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। वृषा तुम नहीं नहीं बोलो यार, क्या बोलो, बस कह दिया अल्लाह। माँ की तरह बोल। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। जो कह दो बाय।